हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजमोहन प्रजापति आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट प्रजापति में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रूफ़ुस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा। रूफ़ुस सॉफ्टवेयर बूटेबल पेन ड्राइव के लिए काम में लिया जाता है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले हमें रूफ़ुस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और एक ISO फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। चलो ठीक है, हम रूफ़ुस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इसके लिए हमें गूगल क्रोम पे रूफ़ुस डाउनलोड लिखना है और एंटर मारना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर रूफ़ुस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना है। इसमें आपको नीचे की तरफ एक रूफ़ुस 3.13 पोर्टेबल लिंक दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद में ये यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं। चलो चलिए, ये डाउनलोड हो चुका है। इसको हम ओपन करेंगे। अपन ये यस, आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देनी पड़ेगी इसके लिए। ये हमसे एप्लीकेशंस का अपडेट, ऑनलाइन अपडेट डाउनलोड करने के लिए परमिशन मांग रहा है। चलिए हम इसे परमिशन दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें अपनी एक पेन ड्राइव इंसर्ट करनी है। पेन ड्राइव ध्यान रखिए, पेन ड्राइव को फॉर्मेट कीजिएगा पहले, अदरवाइज इसमें जो भी डेटा होगा वह चला जाएगा, ये फॉर्मेट कर देगा उसको, ठीक है। यहाँ से हम एक बूटेबल ISO सेलेक्ट करेंगे जो कि मेरे सी ड्राइव के अंदर रखी हुई है। चलिए यहाँ से OS, ये मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक ये MVR OBIOS, यह UFA और BIOS यानी कि लेजिस है, दोनों सपोर्टेबल है। यहाँ से मैंने अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर ली है जो कि मैंने इंसर्ट कर रखी है। ये मैंने इसे पहले से ही फॉर्मेट कर दिया था। इसके बाद में हमें यहाँ से स्टार्ट क्लिक करना है। ये हमें वार्निंग वार्न कर रहा है कि जो भी आपका पेन ड्राइव में जो भी डेटा होगा वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी डेटा अगर आपकी पेन ड्राइव में है तो आप उसे पहले से ही सेव कर लीजिएगा। इसके बाद में हम इसे ओके कर देंगे। तो ये पार्टीशन डिलीट करके दोबारा से बनाना स्टार्ट कर देगा और आपकी पेन ड्राइव बूटेबल करना बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये अभी चल रहा है प्रोसेस, इसमें कुछ 5 से 10 मिनट लगेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, ये अब वीडियो कंप्लीट होने वाली है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इससे मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करता जाऊँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर का मैं आपको लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा इस वीडियो के, ताकि आप वहां से जाके डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है इस वीडियो की। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है और ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें एक यहाँ पे आपको एक रेडी का मैसेज मिलेगा, इसके बाद में आप इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद में आप इस पेन ड्राइव को निकाल के दोबारा लगाएंगे तो आपको ये बूटेबल पेन ड्राइव नज़र आएगी। देखिए, मैंने ये पेन ड्राइव दोबारा से इंसर्ट कर दिए, रिमूव करके ये आपको विंडोज 7 की ऑल इन वन वाली पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।